बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बहुत बड़ा अपडेट है और बिल्कुल नई तरह का अपडेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के बहुत सारे प्रोविंस से, जिन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल मिल रहा है, वो स्टूडेंट्स जर्मनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रेंड है, जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं और उनको जर्मनी से वीज़े भी मिल रहे हैं। अब ऐसा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स को जर्मनी तुरंत वीज़ा दे रहा है, इसके कारण क्या है, और जर्मनी में क्या ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑप्शंस हैं, क्या जर्मनी में एजुकेशन के बाद भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम पूछेंगे अनीता भंडराल जी से, जो स्टडीज केयर के टीम हेड हैं। अनीता जी, बेहद स्वागत है जी आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अनीता मैम। यही मेरे क्वेश्चन हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज्ड जर्मनी का वीज़ा, ये नया ट्रेंड मैंने देखा है जी। सो अभी हम जब स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल्स आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, तो अगर उनका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज्ड है, दे आर लुकिंग फॉर द, अगर मैं ऑल्टरनेट ऑप्शन की बात करूँ, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उनके रीजंस जो हम लोगों को जो रीजंस पता चले हैं वो ये है कि देखिए, एक तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में जो उनके पास जो क्वालिफिकेशन होती है, ऑस्ट्रेलिया इज़ प्रोवाइडिंग बैचलर्स एंड द मास्टर्स, सेम जर्मनी भी बैचलर्स एंड मास्टर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो बैचलर्स होगी वो 3 साल की बैचलर्स रहती है, मास्टर्स 2 साल की रहती है। सेम जर्मनी में भी सेम वही चीज़ है कि 3 साल की बैचलर्स करवाई जाती है स्टूडेंट्स को एंड द मास्टर्स इज द 2 ईयर। तो ये 2 सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी की तरफ अपना जो प्रेफरेंस है वो लेके चल रहे हैं। वही अगर मैं कैनेडा में बात करूँ तो कैनेडा में उनको माइंड मेकअप करना पड़ता है कि अगर उनको बैचलर अप्लाई करनी है तो वो 4 साल की बैचलर उनको करनी पड़ेगी। सेम US में भी, तो वो इसीलिए ये एक रीज़न है कि जो ईयर ऑफ एजुकेशन है वो सेम है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करता है जो कोई स्टूडेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ GT स्टूडेंट इतने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास पूरी एक कंप्लीट कंपाइल प्रोफाइल फाइल बनी होती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की। तो जब ही वो इतने सॉर्टेड डॉक्यूमेंट जब जर्मनी देखता है तो उन्हें लगता है कि पूरा केस बिल्कुल सॉर्टेड है, खास कुछ करना नहीं है। बच्चे के पास IELTS है, IELTS जो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई वो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया तो मैक्सिमम उसका जो IELTS हम देखते हैं वो 6 not less than 5.5 तो होगा ही। जर्मनी में सेम वही रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 6 not less than 5.5 लेती हैं, चाहे स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। वहीं पे जर्मनी में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि 5.5 बैंड पे भी जो एडमिशन है वो एक्सेप्ट कर लेती है। पहला तो ये कॉमन चीज़ आ गया। दूसरी ये चीज़ है कि जो फंड्स हैं, वैसे तो हालांकि जर्मनी में आपको फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ लोगों का होता है कि जस्ट टू शो द अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, तो उनके पास वो रेडिली अवेलेबल होता है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वो कंप्लीट प्रोसेस किया होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पैसा अकाउंट में, क्योंकि उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया में अपनी फाइल लगाई होगी तो उन्होंने अपने अकाउंट में 20-30 लाख तो दिखाया ही होगा। तो अगर मैं वहीं पे जर्मनी की बात करूँ तो ब्लॉक अकाउंट और ट्यूशन फीस सारा सब कुछ मिला के भी उनका जो पूरा एक्सपेंस आता है वो 17-18 लाख का आता है। तो ये चीज़ें हैं उनको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया का एप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट्स को जर्मनी का प्रोसेस अपने लिए बहुत ज़्यादा इजी लगता है। अगर मैं वीज़ाज की बात करूँ, ऑफर लेटर जर्मनी में मतलब आपका विद इन 1 वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी जो 3-4 दिन के अंदर भी ऑफर लेटर दे देती है। इंटरव्यू की स्टूडेंट ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है। जर्मनी में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, बट अगर स्टूडेंट ने ऑलरेडी इंटरव्यू की तैयारियां कर रखी है तो उसको खासकर कुछ करना नहीं है, वो इंटरव्यू के लिए भी ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। तो विद इन 2 मंथ्स स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीज़ाज। ये कुछ एक खास रीजन्स है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो सिमिलर से कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ फैशन मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ IT है, इस तरह के कोर्स ही उनको मिलती है। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ज्यादा नहीं, आपकी 50-60% जो कंपैरिजन है उनको वो जर्मनी में मिल जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है इस टाइम पे, वेज रेट भी कंपैरेटिवली ज्यादा चल रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर मैं अर्निंग की बात करूं, अगर स्टूडेंट बाद में अपना R&D करते हैं कि हमें इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कितना कितना वो आपके सैलरी होगा या कितना आपको पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो, तो वहां पे भी उनके लिए वर्थ रहती है वो पर्टिकुलर एजुकेशन करना। सो दीज आर द कॉमन रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स आर चूजिंग जर्मनी आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज्ड, आपके पास स्टूडेंट्स जो अप्लाई करने वाले हैं जर्मनी,
उनकी संख्या अचानक आपके पास भी इंक्रीज हुई है? जी बिल्कुल, वही मैंने आपको बताया है कि हमारे पास वो इंक्रीज हुई है, हमें कॉल्स आते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉक इन जब वो करते हैं, जब वो बताते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल आ चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज होने के बाद एक बार अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गए तो आप दोबारा से रीफाइल नहीं कर सकते हैं। तो जब उनसे बात करते हैं कि ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या देख रहे हैं, तो उनका आंसर होता है जर्मनी, वी आर लुकिंग एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। जी चलिए, थैंक यू सो मच अनीता जी। और सारे स्टूडेंट्स जिनका रिफ्यूज्ड है ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा या यूके से, अगर वो रिफ्यूज्ड हैं तब भी वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से इस नंबर पे बात करें, आप ऑनलाइन भी अपनी जो फाइल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।